Hello Internet, welcome back to my channel, and today we are going to talk about how to move to Canada without a degree. Yani ke hum jis topic par baat karenge wo hai ki Canada kis tarah aaya ja sakta hai bagair kisi degree ke. So let's begin with this video. तो कनाडा की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम और ये कनाडा इमिग्रेशन का प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आपको डायरेक्ट पीआर मिल सकता है यानी कि परमानेंट रेजिडेंट मिल सकता है और ये एक फास्ट ट्रैक यानी कि एक्सप्रेस इंट्री के तरह का प्रोग्राम है जिसमें आपको विद इन 6 मंथ्स आप कनाडा में होते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ और इसके सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप लो आईलेट्स स्कोर हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जैसे कि इसके टाइटल को जैसे मैंने बताया है कि यू कैन कम टू कनाडा विदाउट अ डिग्री सो मूविंग टू कनाडा विदाउट अ डिग्री इज़ पॉसिबल नाउ कनाडा इमिग्रेशन इज़ नॉट एज हार्ड एज इट यूज टू बी अ फ्यू ईयर्स बैक Atlantic Immigration Pilot Program is a Canadian immigration program that can move you to Canada as permanent resident without a degree. If you had been wondering how to move to Canada without a degree, then you must not miss out this video. In this video, I'll be sharing how to move to Canada without a degree, what is Atlantic Immigration Pilot Program, how to get a job in Canada before Canada immigration, how to move to Canada with low funds and low IELTS score, what is minimum requirement for Canada immigration under Atlantic Immigration Pilot Program, how to immigrate to Canada in 2019, 2020 and 2021. So let's begin with this video. जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको बताया है कि अब आप कनाडा आ सकते हैं बगैर एक डिग्री के तो ये वो प्रोग्राम है जिसके जो कि आप अभी मेरे पेज पर देख सकते हैं जिसका नाम है कि अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम ठीक है ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है जहां पर ये प्रोग्राम आया है और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं खुद भी तो मैंने सोचा कि हर कोई लोगों को प्रोग्राम्स के बारे में पता लग जाता है बट दे डोंट नो हाउ टू बिगिन वर्किंग ऑन इट तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप स्टेप बाई स्टेप इसको देखें कि आप कनाडा में बगैर डिग्री के कैसे आ सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू तो जब इस पेज पर आप क्लिक करेंगे और आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे अबाउट द पायलट लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड कि ये पायलट प्रोग्राम क्या है इसकी फीस है $1,040 कैनेडियन और प्रोसेसिंग टाइम है 6 मंथ यहाँ पर आप चेक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम भी कर सकते हैं यानी कि जब आप एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें तो आप इसके बाद यहाँ पर आके अपना प्रोसेसिंग देख सकते हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशन कहाँ पर पहुँची है An Atlantic Immigration Pilot is a pathway to permanent resident for skilled foreign workers and international graduates who want to work and live in one of the Canada's 4 Atlantic provinces. इसका मतलब ये है कि आप चाहे स्किल्ड वर्कर हैं या ग्रेजुएट हैं किसी भी स्कूल से ग्रेजुएट से मुराद ये नहीं कि आपने बैचलर डिग्री की कनाडा में ग्रेजुएट जो क्लास 5 भी होता है 6 भी होता है 7 भी होता है लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए तहत आप जो है एटलीस्ट 12वीं क्लास ग्रेजुएट अगर हैं तो आप कनाडा के इन 4 प्रोविंसेस में जो है अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए अच्छा जी ये 4 प्रोविंस कौन से हैं न्यूफाउंड एंड लैब्राडोर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड नोवा स्कोशिया एंड नो ब्रांसविक अच्छा जी इन सब में जो है ये पूरे कनाडा का मैप है और इन 4 प्रोविंसेस कनाडा के 10 प्रोविंसेस हैं जिसमें से आप इन 4 में से इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए ये प्रोग्राम जो है एज ऑफ June 1, 2019 योर स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर्स कैन अप्लाई फॉर एन ओपन वर्क परमिट इफ़ यू हैव अ वर्क परमिट थ्रू द अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट and your job is listed in type skill ठीक है अब इसके तहत आपका जो स्पाउस है या पार्टनर है वो भी एक वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम के तहत अगर आपका वर्क परमिट जो है इस प्रोग्राम के तहत वो है और आपकी जॉब जो है स्किल टाइप जो है इस नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के अंडर आती है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन को अगर आप लिंक को ओपन क्लिक करें और तो ये आपको जो है कनाडा की NOC पर ले जाएगी NOC क्या होती है कि ये कनाडा में जो गवर्नमेंट ने जॉब्स को क्लासिफाई किया है कैटेगरीज में स्किल ए स्किल टाइप जो है 0 है जिसमें जो है मैनेजमेंट जॉब्स आती हैं जैसे कि रेस्टोरेंट मैनेजर माइन मैनेजर और शोर कैप्टन यानी कि फिशिंग वगैरह की जॉब्स स्किल लेवल ए में जो है प्रोफेशनल जॉब्स दैट यूजुअली कॉल फॉर अ डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी सच एज डॉक्टर्स
dentists and architects. Skill level B ke tahat technical jobs and skilled traders that usually call for a college diploma or training as an apprentice, such as chefs, plumbers, electricians. Skill level C, intermediate jobs that usually call for high school and or job specific training, such as industrial butchers, long haul truck drivers, food and beverages service. Skill level D, labor jobs that usually give on the job training, such as fruit pickers, cleaning staffs, oil field workers. तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत जो है इन कैटेगरीज़ में जो है आप कुछ भी जो है अगर हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम. ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे. दिस इज़ एन एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम डिज़ाइन टू हेल्प एम्प्लॉयर्स इन अटलांटिक कैनेडा हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स दे हैव been unable to fill locally. हुआ ये कनाडा में ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया, इसलिए कि कनाडा की आबादी कम है, और हुआ ये है कि इन चार प्रोविंसेस की आबादी कम है, और अनफॉर्चुनेटली जो एम्प्लॉयर्स हैं जो हायर करते हैं लोगों को, उनको कुछ ख़ास लोग नहीं मिल पाते अपनी जॉब्स को इनकी जॉब्स को फिल करने के लिए. तो गवर्नमेंट ने इनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप बाहर से लोगों को बुला सकते हैं जो कि इस कैटेगरी में आ सकते हैं. To immigrate to Atlantic Canada through the pilot, you must be recent graduate of a publicly funded institution in Atlantic Canada or a skilled worker who meets the program requirements. तो इस प्रोग्राम के तहत जो है आप जो है अटलांटिक कैनेडा के किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपने या तो ग्रेजुएशन किया हो, या आप एक ऐसे स्किल्ड वर्कर हो जो कि इन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो. तो देखते हैं कि वो प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. तो जब इस लिंक को मैंने क्लिक किया तो ये इस पेज पर आ गया. अच्छा जी, प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स इस पायलट प्रोग्राम के तीन किस्म के, अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, अटलांटिक हाई स्किल प्रोग्राम, अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम. अच्छा जी, नंबर वन पे हम जाते हैं कि अटलांटिक, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो क्या करना है, इसमें आते हैं तो आपने क्या करना है, और अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो मैं वन बाय वन सब में जाऊंगी ताकि सबके जो है प्रॉब्लम या यू नो सबका जो है तरीका सबको एड्रेस कर सके. इन जनरल यू मस्ट हैव अ डिग्री, डिप्लोमा और अदर क्रेडेंशियल फ्रॉम अ पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन इन अटलांटिक प्रोविंस. Have lived in Atlantic province for at least 16 months in the 2 years before getting your degree, diploma or credentials. Take a language test to show you can communicate in English or French. Show you can support yourself and your family when you come to Canada. तो ये तो आप, चूँकि मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ कि अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री नहीं है और आप अप्लाई कैसे कनाडा के लिए अप्लाई करें, तो ये आपकी कैटेगरी नहीं है ये वाली जिसे कहते हैं अटलांटिक. सेकंड के चेक करते हैं कि क्या आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं. अटलांटिक हाई स्किल प्रोग्राम, इन जनरल यू मस्ट हैव वर्क्ड इन मैनेजमेंट प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल जॉब फॉर एटलीस्ट अ ईयर. हैव एटलीस्ट अ कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट एजुकेशन. अच्छा जी, मेरे ख्याल में मैं इसको भी कवर नहीं करती क्योंकि अगेन मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है मास्टर्स या बैचलर्स की तो आप कैसे कनाडा आ सकते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन एंड लेट्स सी कि क्या आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं. इन जनरल यू मस्ट हैव अ जॉब इन दैट रिक्वायर्स अ हाई स्कूल एजुकेशन और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट अ ईयर. यानी कि आप किसी ऐसे आपने कोई ऐसी जॉब की हो जिसके लिए हाई स्कूल एजुकेशन चाहिए हो, यानी कि बारहवीं जमात की एजुकेशन चाहिए हो, और तकरीबन एक साल आपने उसमें ट्रेनिंग की हो उस जॉब में, उस पर्टिकुलर जॉब में. मिसाल के तौर पर आपने अगर बारहवीं क्लास की है, तो मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, बल्कि बारहवीं क्लास की है और आपने जो है एक रेस्टोरेंट में कुकिंग का काम किया है, तो आपने एटलीस्ट एक साल तक उस रेस्टोरेंट में कुकिंग का काम किया, उस रेस्टोरेंट में या किसी भी रेस्टोरेंट में एटलीस्ट उसी चीज़ के ऊपर एक साल तक काम किया हो. हैव एटलीस्ट ए कनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट एजुकेशन. कनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा जो है 12th या एफ ए या एफ एस सी को कहते हैं पाकिस्तान में और साउथ एशिया में. तो एटलीस्ट आपकी बारहवीं जमात आप पास हो. टेक अ लैंग्वेज टेस्ट टू शो यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच. अच्छा जी, इस यहाँ पर चूँकि लिखा हुआ है कि इंग्लिश और फ्रेंच में कम्युनिकेट करने का टेस्ट हो, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम के तहत चाहे आप इस टेस्ट में बहुत कम स्कोर भी करें, यानी कि 4 स्कोर भी करें आईलेट्स में, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम.
श्योर यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली वैन यू कम टू कैनेडा. यानी कि आपको कुछ फंड सपोर्ट शो करने होंगे कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए वो तहत. लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है. बहुत कम फंड्स मांगते हैं, लिटरली $3,000 शायद इसमें मांगे हुए हैं. लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड एंड सी कि कितने फंड्स चाहिए होंगे आपको कि आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सके. रीड द फुल रिक्वायरमेंट फॉर. अच्छा जी, ये फुल रिक्वायरमेंट्स है, इसको उस पर क्लिक करते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या क्या चाहिए. तो चूंकि हम इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का यू मस्ट हैव. इतने घंटे आपने काम कर किया हो, ठीक है. इसके अलावा ये जो NOC मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें आपका कैटेगरी में फॉल करते हो. एजुकेशन आपकी जो है ECA जो है आपने अपनी क्रेडेंशियल्स को जो है सेस करानी है. इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है आपने, जो कि इट्स ओके कि अगर उसका जो है वो कम हो. हाउ मच मनी यू शुड हैव, इसको अगर हम क्लिक करें तो इस पर मैं आपको बताना चाह रही थी कि कितना पैसे होने चाहिए. तो तकरीबन एक बंदे के लिए $3,167, दो बंदों के लिए $3,943, और ये कैनेडियन डॉलर्स है. तीन बंदों के लिए 4,847, चार बंदों के लिए 5,885, पांच बंदों के लिए 6,675, और छह बंदों के लिए 7,528, एंड सात और या ज़्यादा बंदों के लिए $8,381. हाउ मच मनी शुड यू ब्रिंग, इट्स अ गुड आइडिया टू रिसर्च. अच्छा जी, ये इस टॉपिक को मैं अभी कवर नहीं करती कि आपको कितने पैसे लाने चाहिए, बल्कि सिर्फ इस पे बात करते हैं कि अगर आप एक बंदा आ रहा है तो आपको सिर्फ 3,000 इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 3,167 कैनेडियन डॉलर्स लाने होंगे. इसके बाद जो है आपको एक जॉब ऑफर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. जॉब ऑफर के लिए क्या है कि आपने इस लिंक को क्लिक करना है जो कि आपको ले जाएगी इस पेज पर. और यू चूंकि अभी मेरा डॉग फॉर सम रीज़न नहीं काम कर रहा, तो अगर आप इस लिंक को खोलेंगे तो ये आपको इस पेज पर ले जाएगी जहां पर आपको बहुत सारी जॉब्स नज़र आएंगी. बिल्कुल बेसिक जॉब्स जैसे कुक हो गया, शेफ हो गया, जो कि आपको इन चार प्रोविंसेस में मिलेंगी ये जॉब्स. तो इस जब आप इन पर अप्लाई कर लेंगे तो आपको जो है वो एम्प्लॉयर जो है कॉल करेगा या कॉन्टैक्ट करेगा, और बहुत आगे प्रोसेस बहुत ईजी है. अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस का मकसद ये था आपको बताना कि भाई आप कनाडा आना, PR हासिल करना उस तरह नहीं है जिस तरह पहले होता था. क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मेरे पेज पर और मेरे चैनल पर पूछते रहते हैं कि भाई हम कनाडा कैसे आए बगैर IELTS के या बगैर पैसों की या बगैर डिग्री के. तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि 2021 दिसंबर तक है. तो मेक श्योर कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ. और जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि किस तरह आपने लिंक को क्लिक करना है. आपको यू कैन ऑलवेज गो टू अ कंसल्टेंट एंड डू इट, बट यू लिटरली दिस प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन सो इजी. लाइक अ कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट को इतनी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप खुद सब कुछ कर सकते हैं. स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेक श्योर यू लीव अ कॉमेंट इन दिस इन द बिलो इन द यू नो कॉमेंट सेक्शन एंड आई गेट बैक टू यू. एंड मोस्ट प्रॉब्लली यू नेवर नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन योर क्वेश्चन, हाउ टू यू नो रिलेटेड हाउ टू ऑन योर क्वेश्चन. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज एंड टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन ऑन ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई शेयर. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपके होप्स हाई हो गए हैं कि नाउ यू कैन ऑल्सो come to Canada. Or there are a lot of other playlists in my channel. Go and watch them and enjoy. And have a good day. Until next time, take care. Bye bye.